ब्रॉट टू यू बाय इनफिनिक्स। इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कैन बेयर टू मिस इट। पीएम नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से आए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि देश में 74 साल बाद चीतों की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि इतने ही साल पहले देश में आखिरी चीते का शिकार किया गया था। और दावा किया जाता है कि आखिरी चीते का शिकार किया था महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने। ये कहानी देश की आजादी के दौरान की है, सन 1947 की, जिसे अब छत्तीसगढ़ कहा जाता है, वो तब मध्य प्रदेश में ही आता था। तब रियासतों का दौर था। कोरिया रियासत के राजा थे महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव। कुछ ग्रामीण राजा साहेब के पास गए एक अरदास लेकर। उन्होंने कहा कि कोई जंगली जानवर है जो लोगों को मार रहा है, उनके मवेशियों को मार रहा है। अपने लोगों को बचाने के लिए राजा साहब बंदूक लेकर निकल पड़े। जंगल में उन्होंने 3 चीते मारे। कहा जाता है कि उनके शिकार की आखिरी तस्वीर और उससे जुड़े दस्तावेज महाराजा के निजी सचिव ने जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को सौंपे थे। ये दस्तावेज अब भी उपलब्ध हैं। महाराजा रामानुज ने 3 चीतों को तो मार दिया, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि वो भारत के इतिहास में आखिरी चीतों का शिकार कर रहे हैं। दावा किया जाता है कि इसके बाद देश में चीता कभी नहीं देखा गया। 1952 में भारत सरकार ने चीते को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश की कोरिया रियासत के राजा शिवमंगल सिंह देव के घर रामानुज का जन्म 1901 में हुआ। शुरुआती पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन के लिए वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए। यही रामानुज मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक रामानुज प्रताप सिंह लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ भी शामिल हुए थे। अलग अलग दावों में रामानुज प्रताप सिंह का शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान बताया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने 1946 में अपनी रियासत के 64 स्कूलों में एडल्ट एजुकेशन यानी प्रौढ़ शिक्षा शुरू कराई। इसके अलावा ये भी दावा किया जाता है कि आज के समय में जिस मिड डे मील योजना को आज सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जोर शोर से लागू किया जाता है, उसके जनक रामानुज ही थे। उन्होंने 1941 में अपनी रियासत के स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को दोपहर में गुड़ और चना देने की शुरुआत की थी। दरअसल कोरिया रियासत के पास एक रियासत थी जिसका नाम था अंबिकापुर। इसके राजा थे रामानुज शरण सिंह देव। दावा किया जाता है कि इन्होंने करीब 1100 शेर मारे थे। और इसलिए कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि रामानुज प्रताप सिंह देव ने नहीं, बल्कि देश में आखिरी 3 चीतों को रामानुज शरण सिंह देव ने मारा था। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।